शरीर खा के लंबा हो जाएगी। ये हमारा मुंबई का ब्लॉग है। अभी हम जाने वाले चिलीपूरी मोहल्ला, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इफेक्ट डेवलप किया हुआ है और खाने की चीज़ का आपको अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में एक से जगह मिलती है। तो चलो ज़्यादा बोलते नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा काम है, काम पढ़ाएंगे और घर पे भी जाएंगे। इफ्तारी का भी टाइम हो चुका है, 10 मिनट बाकी है। तो बोला थोड़ा एक आज एक थोड़ा मिनी ब्लॉग बना दूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिलता है। मैं मेरे काम में इतना अल्हम्दुलिल्लाह बिजी, अल्लाह ऐसे हमें बिजी रखेगा हमारे काम में। ये तो समझ लो मेरा एक छोटा मोटा इसी साइड काम है। तो आप जितना हो सकता है इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और हमें सपोर्ट जरूर करना गाइस, क्योंकि इंशाल्लाह हमें आप सपोर्ट करोगे इंशाल्लाह और हम आपके सामने ज़रूर अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना और वीडियो को ज़रूर फुल वॉच करना। तो चलो फिर मिलते हैं गाइस। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ईशा का टाइम हो चुका है तरावी का। तो चलो तरावी पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं गाइस। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी मुंबई की अल्हम्दुलिल्लाह शानदार मस्जिद है। ये आप देख तो वजू खाना और हमारे फहीम भाई और हमारे दुबई के फ्रेंड जा रहे हैं। चलो फिर मिलते हैं इस बार। और फाइनली मैं आ चुका हूँ ऊपर, जहाँ पे हमारे ये सामने आप देख सकते हमारे सोच लोग जा रहे हैं। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं, फाइनली हम आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरावी हो चुकी है और तोते शरीफ जा रहे हैं ऊपर। ऊपर तो जाना है यार आज, देखो कल सबको। तो चलो अभी हम बिस्मिल्लाह करते हैं इंशाल्लाह। और हमारे साहब दुबई वाले इंशाल्लाह रमज़ान करके दुबई जाएंगे, उनको बोला हमें भी लेके चलो इंशाल्लाह। चलो अभी खाते फिर इंशाल्लाह निकलेंगे। और क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो, फाइनली मैं आ चुका हूँ मेरी शॉप पे और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह तरावी भी हो चुकी है हमारी। और तोते शरीफ की नियाज खाए और अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा अच्छा काम है, वो काम पड़ेंगे फिर इंशाल्लाह घर पे खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर आउटफिट चेंज करेंगे, फिर इंशाल्लाह निकलेंगे हम भूरी मुल्ला और वहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह डोगरी। डोगरी के सुल्तान और फिर हाजीपुर अमरशाह वहाँ के दरगाह भी है, वहाँ भी सलामी देंगे। और वहाँ पर अंबर स्वीट करके एक है, जहाँ पर हमारे फहीम भाई ने हमें बताए कि वहाँ पर आपको 180 रुपये में मालपुरा मिलेगा, वो भी 1 बाय 1 फ्री वाला। तो वो भी जाएंगे हम देखेंगे कैसा है क्या है का माहौल। और जितना हो सकेगा आपको इंस्टाग्राम में ज़रूर शेयर करें, प्लीज़ वीडियो में बने रहना। चलो फिर मिलते हैं गाइस। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, फाइनली हम निकल चुके हैं और हमारे दुबई वाले जो रिजवान भाई है वो हमें लटकी दे चुके हैं, क्योंकि अभी एक्चुअली वक्त हो रहा है 12:45। वो हिसाब से शायद लगता सो गए होंगे वो। हम उनको 6 से 7 बार फ़ोन कर चुके हैं तो वो उठाए, तो अभी हम निकल रहे डायरे। अभी आप देख सकते हो पहुँच चुके हैं शालीमार के पास, जो है शालीमार। और अभी हम जाएंगे अंबर स्वीट, जहाँ पे 1 बाय 1 फ्री का ऑफर चालू है मालपुरा में। तो वो एक्चुअली क्या है, मालपुरा जो है ना रमज़ान में खाली खाने में मज़ा आता है, क्योंकि और वैसे भी रमज़ान में ही बनता है वो, बाकी टाइम पे तो बनता है नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर अंबर स्वीट से लेंगे मालपुरा और घर जाएंगे। और फिर गाड़ी अलग है, और यार जैसे आप देख सकते हो क्या डेकोरेट किया हुआ है माशाल्लाह, ये देख सकते हो गाइस कितना मस्त डेकोरेट किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। चुके हैं हाजी अब्दुलरहमान शाह की दरगाह के पास। कुछ ही देर में हमें पहुंचने वाले अंबर स्वीट, बट अंबर स्वीट नहीं जाएंगे, अंबर स्वीट के पास नहीं जाएंगे, मेरा एक दो काम है वो पढ़ाएंगे इंशाल्लाह फिर जाएंगे। चलो फिर मिलते हैं गाइस। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, फाइनली हम पहुंच चुके हैं हाजी अब्दुलरहमान शाह की दरगाह। और एक्चुअली इसी के बाजू में अंबर स्वीट है और 5 1 3 का ऑफर भी इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। चलो कि हम उतरते ऑर्डर देते और फिर इंशाल्लाह निकलते घर के लिए। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, ये है हमारे मुंबई का डोंगरी का फेमस अंबर स्वीट। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, 1 बाय 1 गेट 1 फ्री, एक्चुअली 180 का इसका प्राइस है। चलो इसको ऑर्डर देंगे और फिर इनके भाई, ये देखो बहुत मुस्कुरा रहे, मुस्कुराना भी अच्छा है। चलो फिर जरा ये ऑर्डर दे जल्दी, चलो ऑर्डर दे भाई, 2 बना ना। चलो फाइनली, और हमारा बनते ही फिर निकलेगा डायरेक्ट घर, बहुत लेट हो चुका है। चलो फिर गाइस, हमारा फाइनली होने वाला है बस कुछ ही देर में। और यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे ब्लॉग भी बना रहे हैं और शॉर्ट भी बना रहे हैं।
चलो फिर डायरेक्ट फिर रेडी होता है फिर बताते आपको इंशाल्लाह एकदम ऑयली ऑयली। सिंगल है भाई कभी सो गए थे क्या? हो गया सर। सो गए थे क्या? सो ही करा मैंने तुम तो नेता छोड़ दिया है। छोटो लो मेरी में छोटो बनाओ। जैसे यार फाइनल है हमारे दुबई के भाई यहाँ पे मिल चुके हैं क्योंकि उनको कम से कम 7 से 8 बार फोन किया हुआ है वो ले भी लिया पहले से। बहुत गलत अकेले अकेले आ गए। प्लान चेंज हो गया। क्या प्लान है? लेट हो गया एक्चुअली क्या घर पे हम लोग थोड़ा काम था कारखाने में बैठे हैं थोड़ा काम वगैरह बनाया फिर उसके बाद डायरेक्ट फिर मैं बोला चलो खाना वाना खाऊंगा खाना वाना खाते खाते 12:30 बजे 7 से 8 मिस कॉल रहेगा लेकिन आपके फोन में ये भाई फोन भी लेके नहीं गए बोलो घर पे छोड़ के गए। हाँ वो छोड़ दिया मैंने वो मामले में क्या वो रेडी टू वर्क क्या है वो मतलब पढ़ाई करते हैं वो देखो फाइनली रेडी हो चुका है और फाइनली ये भाई तो ले लिए और हम भी लेने की तैयारी है हमारा बुकिंग चालू है देखिए काटन कोटे वगैरह निकलने का काम चालू है मुर्गी काट रहे मुर्गे अरे मुर्गे नहीं है भाई गलत नहीं समझना माल पूरा है स्वीट आइटम है बहुत अच्छी आइटम है रमजान में ही खाने का मजा है क्या बोलते हैं बाकी दिन तो मिलता भी नहीं है बाकी टाइम तो ही बनाना चाहिए लोगों को नहीं ऑर्डर बनाते ऑर्डर और क्या बोलते हैं रिजवान भाई कुछ कहना चाहते हैं हमारे सब्सक्राइबर को व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहते हैं आप यूट्यूब देख के आए आपके हाउस ऐसा कुछ नहीं है गाइस खाली मालपुड़ा 1 बाय 1 फ्री है बाकी आपको फिरने के लिए अलग से पैसे देना पड़ेगा वो तो 220 का निकला है फिरने का क्या मालपुड़ा का स्पेशल अच्छा स्पेशल स्पेशल है स्पेशल वाह हमारा हो गया अबे बहुत बड़ा बन जाएगा वीडियो अगर जाते हैं इंशाल्लाह दिखा देंगे भाई आपको सभी एक से एक वैरायटी देखने मिलेगी गाइस माशाल्लाह ये देख सकते हो मेरा शेर कितना मस्ती कर रहा है आप देख सकते हो कितनी ट्रैफिक है यहाँ पे आप देख सकते हो आज का माहौल और जबकि एक्चुअली आज ये गाड़ी खड़ी करना पड़ेगा भाई इसे है ना गाड़ी खड़ी करना पड़ेगा आगे तो मिस्टर लाइट का गाड़ी खड़े करने की जगह बहुत मिलेगी तुम्हारे बाबा तो भाई जैसे आप देख सकते हो आगे ट्रैफिक नहीं पड़ा आगे तो रहेगी और आगे इंशाल्लाह बहुत ट्रैफिक मिलेगी क्योंकि आगे मेन मोहम्मद अली रोड मीनारा मस्जिद स्टार्ट होने वाला है वो सब क्राउड बोलना बहुत होने वाला है। चलो फिर गाइस डायरेक्ट मिलते हैं इंशाल्लाह घर क्योंकि हमने मालपुड़ा ले लिया है और हेलमेट में रखे हैं हमारे फहीम भाई ने जो घर पहुँचते हैं इंशाल्लाह तुमको खाली छोटी झड़क अगर मौका मिला तो दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये काटेगा उसने काटेगा काउको करेगा काउको अरे तो अपना भी ये लंबा पाव ये हिंदुस्तान के कबाब है इधर है ना अच्छा पहले लंबा पाव लेने का इनको खाएंगे फिर लंबा हो जाएगा कौन है ये लोग
कहाँ से आते हैं? सहरी खा के लंबा हो जाइए, ये हमारा मुंबई का स्टाइल लंबा पाव। यहाँ आपको सब वैरायटी के पाव देखने मिलेंगे। ये हमारे फहीम भाई यही पाव खा के लंबा हुए। ये पाव में मजा अलग है, ये अलग पाव है। चीज कहना चाह रहा था, जैसे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में आप आए थे बोले तो मतलब आपने देखे ना, उसमें मेरे से थोड़ा एक मिस्ट्री हो गई थी एडिटिंग में, जानी जाना जहाँ मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे सारा म्यूजिक बज रही है, मैंने देखा नहीं। मैं सोचा कि वापस अपलोड करूँ, मगर उनका जान दे डाल दिए जो व्यू आ रहा है बाद में वो भी व्यू नहीं आता है। चलो फिर बस हमारे भाई ने फाइनली ले लिया लंबा पाव और हमने भी ले लिया मालपुड़ा। अभी जाके इसको घर पे जाके अनबॉक्सिंग करेंगे। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे फहीम भाई, आप देख सकते हो कबाब, यहाँ मुंबई का फेमस होटल हिंदुस्तान होटल का फेमस कबाब भाई, उसको भी ले गया। आ जाओ ये भाई अकेला भटक रहा है, इसको छोड़ दो, ये घर पहुंच जाएगा इसी। आ जाओ, ये देख सकते हो यहाँ पे कबाब, देखो कितना मस्त, एक नंबर ट्राई चलेगा लगेगा पीछे। अरे फहीम भाई सुबह सुबह कबाब खाएंगे, सहरी करेंगे और सो जाएंगे लंबा पाव के साथ। घर अलहमदिल्ला मालपुड़ा, ये नंबर था अंबर का जो एक्चुअल एग्जिट है अब्दुल अहमद शाह जी घर का है ना, जो एग्जिट उसका जो बड़ा गेट है ना उसके राइट साइड पे है अंबर स्वीट, बाय वन गेट वन फ्री 180 रुपीज़ का, और अलहमदिल्ला पैसा वसूल होना है। और ये एक्चुअली यार रमज़ान के मौके पे ही आपको देखने मिलेगा, क्योंकि विदाउट रमज़ान में एक्चुअली आपको नहीं मिलता ये मालपुड़ा। और अभी एक्चुअली और चीज़ कहना चाहता हूँ कि रात के बजे तो सोते सोते ढाई बज जाएगा, फिर वही 1.5 घंटा नींद मिलेगी, फिर वही उठो सहरी करो, फिर फजर की नमाज पढ़ने जाओ, फिर सो, फिर उठो, फिर अपने काम में लगो। ये हमारे दिन की रूटीन है गाइस। और जैसे कि अभी मुझे क्या है टाइम मिलता नहीं ब्लॉग बनाने का, तो मैं सोचा था कि आज एक छोटा मोटा आपके सामने शेयर कर लूँ हमारे मुंबई का। और ये देख सकते हैं रात के 2 बजे मेरा शेर अभी तक जाग रहा है। सोया क्यों नहीं अभी तक? हाँ देखो अभी तक सोया नहीं है, कितनी मस्ती है इसको। देखो ये देखो कितनी मस्ती कर रहा है, देखो देखो अगर कांच टूटेगा मेरा बच्चा। चलो गाइस सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्राइब करो।